हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है स्विफ्ट VXI, पेट्रोल वेरिएंट है और 2023 का वेरिएंट है। अब इस गाड़ी के अंदर कुछ फीचर्स अपडेट हुए हैं, तो आज की वीडियो में जो है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बाकी अगर मैं इस गाड़ी के प्राइस की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 6,90,000 रुपये। और जो है बेस्ट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया डीलरशिप का, तो आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं TR सानी मेरठ के अंदर। भाई यंगस्टर्स की ना ये गाड़ी पहली पसंद है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई इस गाड़ी का जो लुक है ना काफ़ी स्पोर्टी लुक है। मतलब इसे एक मिनी कूपे वाला जो है लोग बाग कहते हैं लुक, बट हाँ यार कहीं ना कहीं ये लगती है। और भाई कुछ फ्रंट लुक इसका ये दिया गया है, यहाँ पर आपको जो मैट ब्लैक के अंदर ग्रिल दे रखे हैं, यहाँ पर आपको क्रोम दिया गया। अच्छा क्रोम ना इस गाड़ी के अंदर बहुत कम यूज़ कराया गया है, जिसकी वजह से ऑल ओवर ना काफ़ी जो है गाड़ी बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पर कोई फॉग लैंप नहीं दिया गया, ना कोई हाउसिंग दी गई। यहाँ पर आपको जो लुक दिया गया रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट रहने वाली है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, और कुछ लुक इसका ये रहने वाला है। अगर मैं इस गाड़ी की विड्थ की बात करूँ तो भाई आपको 1735 mm की इस गाड़ी की विड्थ मिलती है, तो भाई अच्छी खासी इस गाड़ी की विड्थ मिलती है। और व्हील बेस की बात करूँ तो आपको 2450 mm का, तो 2450 mm का व्हील बेस की वजह से ना आपको जो अंदर कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, अच्छा खासा रूमी फील कराने वाली है। बाकी अब यहाँ आ जाते हैं साइड में, तो भाई साइड में आपको जो व्हील कवर ऑफर किए गए हैं वो जो अभी अंदर रखे हुए हैं, बट यहाँ पे आपको व्हील कवर भी मिल जाते हैं। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे को ये लगता है, क्योंकि भाई ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको जो है इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं कि भाई इसका स्टार सेक्शन क्या है, तो आपको जो 165/80R14, तो 14 इंच का आपको जो है इसके अंदर ये मिलते हैं व्हील्स। बाकी जो ORM आपको जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलते हैं, ए पिलर आपको जो ब्लैकआउट, बी पिलर आपको जो ब्लैकआउट, और सी पिलर भी आपको जो ब्लैकआउट ही मिलता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो इस गाड़ी का लुक है ना काफ़ी जो है बढ़िया लगता है। और यहाँ पर आपको जो है ये रियर लुक जो दिया गया है भाई, ये तो अल्टीमेट है। मतलब ये LED टेल लैंप जो दे रखे हैं ना सी पैटर्न में, जिसकी वजह से यार ये गाड़ी ना कहीं पीछे से काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर रिवर्स लैंप, आपको यहाँ 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं इसके ना, सुजुकी बैजिंग यहाँ पे और स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे, दैट्स इट। और कुछ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ना यार काफ़ी ना एक पीस ऑफ बोल्ड लुक लगता है। और ये जो ऐसे डिज़ाइन जा रहा है ना ये काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी जो है 37 लीटर का आपको जो है पेट्रोल की कैपेसिटी मिलती है, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको जो 37 लीटर की रहने वाली है। और बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो भाई बूट स्पेस भी आपको जो है हैचबैक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। खोलते हैं तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बटन भी दिया गया, तो 268 लीटर का आपको जो बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर पार्शल ट्रे भी मिल जाती है, ऊपर आपको ट्रिम भी दी गई है जिसकी वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है। तो यहाँ भी देखिए कोई कॉस्केटिंग नहीं करी गई है, आपको पार्शल ट्रे भी मिल जाती है। मतलब मोटे मोटे तौर पर ना भाई ये जो वेरियंट है ना, अगर आप कुछ आफ्टर मार्केट ज़्यादा कुछ कराने नहीं वाले हो तो भाई ये वेरियंट ले लो, ठीक है, और सबसे बढ़िया रहता है। आपको सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं ज़रूरत के वाले। बाकी जो है ट्रिम आपको जो ऑल ब्लैक ही मिलते हैं, यहाँ पे पावर कंट्रोल स्पीकर के लिए 4 स्पीकर आते हैं, हेडर आपको जो है एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, और 60/40 का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी की पूरी सीट डाउन करनी पड़ेगी। और ये है इसके व्हील कवर जो कि इसके अंदर रखे हैं, मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखा सकता, बट आपको जो मिल जाते हैं। बाकी आपको जो स्पेस इतनी मिलती है, अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। बाकी आपको जो है ये हम थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अगर ये लो होता ना तो 5 जने कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते थे। थाई सपोर्ट ठीक मिल रहा है, उतना अच्छा नहीं है, रिक्लाइन एंगल भी आपको जो ठीक मिल रहा है, ठीक है, बाकी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको जो है फ्रंट सीट पर दोनों ही मिलते हैं। अब ये बात रही इस गाड़ी के रियर डोर के बारे में, फ्रंट डोर के बारे में अगर मैं बात करूँ, फ्रंट डोर कुछ आपको ये दिया गया है, 4 पावर विंडो का कंट्रोल्स मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन रहने वाली है, लॉक अनलॉक का बटन, OMC कंट्रोल, यहाँ पर कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दी गई है जो कि ये है, और यहाँ पे आपको जो है क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ करा गया है, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पर आपको जो है हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती हैं इसकी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पर जो है मेन चीज़ है ये आप देख रहे हैं भाई, ये फीचर इसके अंदर नया ऐड ऑन हो छुपके से जो कंपनी ने कर दिया, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर आ गया, तो भाई यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर हेडलाइट लेवलर आ गया है, और ये आपको जो है की इंसर्ट करने के लिए, अभी की आपको मैं दिखा देता हूँ, तो भाई की आपको ये मिलती है
जिसमें लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। दोनों ही आपको इस तरीके की मिलती है, सेंटर लॉक वाली की दी गई है दोनों ही। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। स्टेयरिंग व्हील आपको जो है ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। बट ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना इस गाड़ी का भाई, काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब एक स्पोर्टी लुक देता है। डी कट के अंदर आता है, यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कॉल रिसीव और कट कर सकते हैं। बाकी यार ये स्टेयरिंग व्हील ना पर्सनली मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी जो है सॉफ्ट है भाई। और आपको जो वाइपर कंट्रोल्स और हेडलाइट कंट्रोल यहाँ मिलते हैं। और इस गाड़ी का भाई जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब ये देखिए भाई पूरा स्पोर्टी फील आएगा आपको। रेड एसेंट दिए गए हैं, मतलब रेड लाइट जो है ना इसके अंदर काफ़ी बढ़िया लग रही है। और भाई यहीं से आप जो सारी चीज़ इसके अंदर देख सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए ट्रिप भी सब जो है यहीं से आपका आ जाएगा। अगर मैं आपको एक बार करके दिखा दूं तो भाई ये एवरेज, भाई एवरेज अभी भी ये गाड़ी 18.7 का दे रही है, तो भाई मारुति का इंजन ना एवरेज कमाल का देता है। बाकी स्पीड मीटर आपको यहाँ और आपको जो है आरपीएम मीटर यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, ठीक है। ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। ऊपर आपको ये थोड़ा स्कूप भी दिया गया, जिसकी वजह से ऑल ओवर ना ये देखिए लुक काफ़ी प्रीमियम आ रही है। मैंने कहा था ना कि भाई ज़रूरत के फीचर्स ना, लाइक इसके अंदर आपको जो हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, यहाँ आपको जो स्टीयरिंग बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन आपको जो आपको बटन मिल जाता है, और भाई पीछे LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ आपको जो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जो टच पैनल के साथ में मिल जाता है, और 4 स्पीकर के साथ में आ जाता है। तो भाई मोटे मोटे तौर पर आपको सारी ज़रूरत की चीज़ इसके अंदर मिल जाती हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ कॉस्ट कटिंग हो गई, यहाँ कॉस्ट कटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, आपको मैनुअल मिलता है। USB पोर्ट आपको ये दिया गया, ऑक्स पोर्ट दिया गया, और यहाँ पे आपको जो 12 वोल्ट का आउटपुट, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस, यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पर आपको सैटिन सिल्वर की फिनिश, यहाँ पर आपको जो स्पेस, और यहाँ पर आपको जो है 1 लीटर की बॉटल की स्पेस दे रखी है। डोर ट्रिम पे भी आपको जो 1 लीटर की बॉटल की स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी, और कार्बन फाइबर फिनिश मैंने जैसे कि आपको बताया। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो आपको डिसेबल अमाउंट का मिलता है। कोटा से वेंटी मीटर की बात करें तो आपको वो भी दिया गया है। यहाँ पे आपको लैंप मिलता है जो कि LED के अंदर नहीं, अगर ये LED के अंदर होता ना काफ़ी बढ़िया लगता। और यहाँ पर आपको जो टिकट होल्डर मिलता है। IRV आपको जो डे नाइट दिया गया है जो कि ये है, तो भाई यहाँ भी कोई कॉस्टिंग नहीं करी गई है। डैशबोर्ड की बात करूँ तो भाई ऑल ब्लैक ही मिलता है, बट यहाँ पर आपको जो सैटिन सिल्वर की आपको फिनिशिंग दी गई है जो कि ये रहने वाली है। और AC वेंट आपको ये दिया गया, यहाँ पे आपको जो है क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ करा गया है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। बाकी आपको जो यहाँ की साइड जो कुछ इस टाइप के जो AC वेंट मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो भाई ABS EBD डुअल एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर अब आते ही हैं, और ये आपको जो ESP भी आ गया है जिसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल जो आप कहते हैं। और फ्रंट सीट की बात करूँ तो आपको जो अच्छी खासी सीट मिली, काफ़ी बड़ी सीट मिलती है, और ये चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई अच्छा खासा आपको जो स्कूप भी मिलता है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। प्राइस मैंने आपको बता दिया 6,90,000 रुपये एक्सशोरूम, और बेस्ट प्राइस के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, तो आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं TR7E मेरठ के अंदर। और अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। भाई इंजन आपको जो है ये दिया गया है, आपको जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि 88 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, 113 Nm का टॉर्क। BS6 Phase 2 के अंदर जो है ये कंप्लाइंट हो गया है, तो RDE नॉर्म के हिसाब से भी जो है अपडेट कर दिया गया है। और भाई अपडेट के बाद क्या रिफाइनमेंट लेवल रहता है वो तो देखो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि भाई देखो प्रीवियस भी काफ़ी ये रिफाइंड इंजन था, और अपडेट के बाद तो भाई और भी रिफाइंड हो जाएगा। बाकी इंसुलेशन ऊपर दी गई है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई मारुति का इंजन है, काफ़ी रिफाइनमेंट लेवल हाई रहती है। यहाँ पर बैटरी दी गई है, ABS यूनिट आपको वहाँ मिलती है, ठीक है। बाकी कुछ ये है इसका इंजन। तो ये थी आपकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi पेट्रोल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।